अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ठाकुर मोहन सिंह मढ़ाड़ का इतिहास साहस और शौर्य की प्रकाष्ठा है। इस दुर्बल वीर पुरुष की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही होगी, क्योंकि अल्प और सीमित साधन रहते हुए इन्होंने उस बाबर की समुद्र सी लहराती प्रबल सत्ता को चुनौती दी। उसके अनवरत विजयों से उत्तर भारत थर थर कांप रहा था। इन्होंने उस महाबली बाबर को भी अपनी तलवार का पानी पिलाकर छोड़ा। 4 मार्च सन 1530 ईस्वी को बाबर ने लाहौर से आगरा जाने के लिए प्रस्थान किया। सरहिंद पहुंचने पर उसे समाना के काजी ने उससे मुलाकात कर बताया कि कैथल के मोहन सिंह मढ़ाड़ नामक राजपूत ने उसकी इमलाक जागीर पर हमला करके उसे लूटा पाटा और जलाया और उसके बेटे को मार डाला। काजी की बात सुन आग बबूला हुए बाबर ने फौरन ही 3,000 घुड़सवारों के साथ अली कुली अहमदानी को कैथल परगना से ठाकुर मोहन सिंह मढ़ाड़ के गांव भेजा। सुबह सुबह मुगलों की सेना गांव पहुंची। मढ़ाड़ों ने तेजी से बाणों की वर्षा करते हुए शाही सेना के पांव उखाड़ दिए। इस भयंकर युद्ध में 1,000 तुर्क मारे गए। शेष भागकर पास के ही एक जंगल में छिप गए। शाही सेना की हार सुनकर बाबर शर्मसार होते हुए ठाकुर मोहन सिंह मढ़ाड़ के नाश का संकल्प लेते हुए तुरंत 6,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ अपने सिपह सलार तरसम बहादुर और नौरंग बेग को भेजा, जिन्होंने छल कपट से मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली दरबार में ठाकुर मोहन सिंह मढ़ाड़ की पेशी हुई और बाबर ने इन्हें सजा ए मौत का फरमान सुनाया, पर साथ साथ यह भी कहा यदि ठाकुर मोहन सिंह मढ़ाड़ इस्लाम कबूल लेते हैं तो उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। ठाकुर साहब चाहते तो मुस्लिम बनकर अपने प्राण बचा सकते थे, किंतु उस योद्धा को जीवन से प्यारा वह मूल्य था जो क्षत्रियों के लिए अभिप्रीत था, उनका धर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक करने के लिए देखते रहिए शौर्य गाथा आरंभ नए युग का।